नमस्कार। देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान में 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किए और ये सभी स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा भी बढ़ा दिया। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल अब 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए और बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक कार्यक्रमों में शहरी क्षेत्रों में 50 लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों के शामिल होने की लिमिट रहेगी। सरकार ने सप्ताह भर में यह तीसरी गाइडलाइन जारी की है और वही दूसरी ओर कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगवा चुके बच्चे ही स्कूल जा सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी। वही यह धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वही अन गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी।